संसार के शब्द स्पर्श रूप रस सुख दुख वो सब में अरुचि जब तक दुनिया की ओर से मुंह फिरेगा नहीं निवृत्ति नहीं होगी तब तक आत्मा का साक्षात्कार आदरण बन रहा महाराज जी जो इस समय की बात ना है उसमें तो विवेक द्वारा अंतर्मुक्त आती है तो जो एक अंदर से पुरानी पुरानी है वो जो प्रकट होती है जिसको पशाय कहते हैं उसके लिए क्या करना चाहिए उसके लिए शांति पशाय को देखने से वो क्षीण हो जाता है सकसायम बुझान या संभवी लय संबोधन चित्तम विक्षिप्तम समेत सकसायम बुझानिया समप्राप्तम चाले जबान लियते चित्तम च विक्षिप्त विक्षिप्त अनिंगल मनाभा संपत्तम अंतकरण की स्थिति में भी रसास्वाद नहीं होनी चाहिए इतनी अरुचि होनी चाहिए संसार की अंतकरण की जो शांत स्थिति है उसका भी रसास्वाद नहीं वो भी संसार ही है मानसिक स्थिति में स्वाद लेना वो भी संसार का भोग ही है इच्छा राग से उत्पन्न होती है उगम से नहीं विधान से नहीं होती इनमें सुख बुद्धि होगी तो ही उसका त्याग और ग्रहण होगा और अपना आप जो है वो तो ग्रहण किया हुआ ही है और त्याग उसका संभव नहीं है इसलिए अपने को जानने पर कुछ कर्तव्य नहीं होता अन्य को जानने पर ही कर्तव्य होता है स्व को जानने पर कर्तव्य देह का जो संबंध है ना ये भी सारे अनर्थ का हो रहे हैं सुषुप्ति का अनुभव करके तब वो सुषुप्ति का वर्णन नहीं कर सकते स्वप्न में पूर्व सुषुप्ति की कल्पना होती है इसलिए सुषुप्ति कल्पना काल में ही सुषुप्ति के अस्तित्व का निश्चय होता है सुषुप्ति काल में सुषुप्ति का निश्चय नहीं होता है इसलिए ये स्वतंत्र प्रकृति दृष्टि ही है सुषुप्ति न उसकी पूर्वानुभूति है और न तो इसलिए दृष्टि सृष्टिवाद के अनुसार जिस समय सुषुप्ति की कल्पना होती है केवल कल्पना काल ही सुषुप्ति है कल्पना काल से पृथक सुषुप्ति काल है अब ये सब अपने स्वप्न पुरुष को देखते हैं पच्चीस तीस वर्ष के रोज रोज की सुषुप्ति नहीं है स्वप्न में मालूम करता इसलिए उसके पीछे ज्यादा बढ़ गई हमारी एक अवस्था जाकर कल हुई थी फिर रात को सुषुप्ति हुई स्वप्नावस्था हुई फिर आज जागृत अवस्था हो रही है इस सारा का सारा प्रतीति में कल्पित है इसलिए सुषुप्ति में किसी को अनुभव होकर पीछे रह गया हो ये आभासवाद की कल्पना है ये दृष्टि सृष्टिवाद की
इसलिए वह पर की कसौटी पर कभी नहीं उतरेगा। तो जो सुषुप्ति का अनुभव और स्मृति है आभासवाद की रीति से, वो दोनों ही अनिर्वचनीय है, और अनिर्वचनीय होने से उसको सत अनुभूति कहें तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि आत्मा की सुषुप्ति कभी हो नहीं सकती, और उसको स्मृति कहें तो अनुभव के बिना स्मृति भी नहीं, बिना अनुभव के स्मृति भी नहीं कह सकते, तो बिना अनुभव के स्मृति नहीं कह सकते, और स्मृति प्रतीत होने पर भी आत्मा की सुषुप्ति संभव नहीं है। इसलिए आत्मा सुषुप्त हुआ या जागृत हुआ, इस सारा का सारा खेल जो है वो प्रतीति है, समय भी प्रतीति है, अवस्था भी प्रतीति है, सुषुप्ति भी प्रतीति है। तो अपने को जब देह मानते हैं, तुम देह दृष्टि से सुषुप्ति का अनुभव चाहते हो कि आत्मदृष्टि से? तो आत्मदृष्टि से तो सुषुप्ति का अनुभव हो नहीं सकता, और चूंकि देह ही कल्पित है इसलिए सुषुप्ति अवस्था इसमें एक कल्पित है। देह से ही आत्मा की अभिव्यक्ति करेगा, बढ़ेगा देह को छोड़ते हुए। जो देह को देख रहा है वो देह में बैठ कर देह को नहीं देख रहा है, स्वयं प्रकाश को जो अमुक शर्त से ही होता है, उसके होने पर यही होता हो यह नियम भी नहीं है, और ये होने पर वो होता है। साधन चतुष्ट संपत्ति होने पर ही ज्ञान हो, और ज्ञान होने पर जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख रहे, ये भी पहले ज्ञान हो कि पहले आवरण भंग हो, ये सब प्रकार वस्तु में नियम है। जड़ वस्तु हमेशा सुषुप्त ही रहती है, जड़ को हमेशा सुषुप्त और चेतन की सुषुप्ति होती नहीं है। तब इसका अर्थ ये होगा कि जैसे जागृत की दृष्टि से स्वप्न को सत्य नहीं कह सकते, और स्वप्न की दृष्टि से स्वप्न को मिथ्या नहीं कह सकते, स्वप्न निर्वचनीय होगा, इसलिए चेतन की सुषुप्ति होती है ऐसा नहीं कह सकते, और सुषुप्ति होती नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते, तो सुषुप्ति निर्वचनीय हो गई। जैसे एक शरीर की बातों को वो जानता है, या एक शरीर में के मन में आई हुई बातों को जानता है, वैसे सबके मन में आई हुई बातों को क्यों नहीं जानता? आत्मा को सपने एक ही है, उसके लिए जैसा ये शरीर है वैसा दूसरा शरीर है, वैसा तीसरा शरीर। महात्मा ने उत्तर दिया, एक शरीर में रहने वाला कान से ही क्यों सुनता है, आंख से क्यों है, और आंख से ही क्यों देखता है, नाक से क्यों है? सब इंद्रियों में तो एक ही है, इससे जैसे इंद्रियों के गोलक अलग अलग होने से उनके लिए अलग अलग ज्ञान होता है, तो इससे अंतकरण भी एक गोलक है, अंतकरण तो पृथक पृथक शरीर में पृथक पृथक होता है, गोलक है। तो उस अंतकरण का जो ज्ञान है वो उस अंतकरण में रहता है, उसकी स्मृति उसका संस्कार उसका अनुभव। अंतकरण भी एक गोलक रूप ही है, जैसे नेत्र श्रोत्र आदि गोलक है। तो हम उस शरीर में रहने वाले अंतकरण के द्वारा उसकी बातों को जानते हैं, और इस शरीर में रहने वाले अंतकरण के द्वारा ये खजाना अलग है, वो खजाना अलग है, ये रजिस्टर अलग है, वो रजिस्टर अलग है,
वो आपको समझ है, वो आपको समझ है, आप ही समझ अलग है। और उस ऑफिस के मालिक के रूप में हम उस उसकी बात को आते हैं, वो रजिस्टर अलग है या रजिस्टर अलग। जैसे आकाश को सब में एक है, सब शरीर में एक है, पर इस कान के गोलक से वो दो शब्द सुनता है, वही दूसरे कान के गोलक से भी सुने ये तो जरूरी है। इस आंख से जो देखता है वही दूसरी आंख से भी देखता है। आकाश की एक होने पर भी गोलक के भेद से शब्द ग्रहण अलग अलग होता है। एक वायु होने पर भी गोलक के भेद से स्वास अलग अलग चलता है। इसी प्रकार आत्मा के एक होने पर भी हृदय गोलक अलग अलग होने, जो घटपटारी के अनुरूप नहीं है, नित्य जो ब्रह्म है आत्मा है, जिसका ज्ञान ही जिसका स्वरूप है। मैंने ज्ञान दो तरह के होते हैं, विषय की अनित्यता से जिसकी आन में अनित्यता का आरोप होता है, और विषय की नित्यता से जिसमें नित्यता का आरोप होता है। ज्ञान स्वयं में न नित्य है न अनित्य है, नित्य का ज्ञान है तो नित्य है, अनित्य का ज्ञान है तो केवल कल्पना ही होती है कि आकाश इतना बड़ा है, धरती इतनी बड़ी है। और प्रत्यक्ष ज्ञान में जैसे वृत्तियों का विषय भी जाना मानता है, अनुमानित ज्ञान में वैसी वृत्तियां कहां जाएंगी घट में। अग्नि प्रज्वलित देखेंगे तो मान लेगा कि तुम्हारी वृत्ति नेत्र द्वारा अग्नि में गई, और अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य का अग्नि अवच्छिन्न चैतन्य से एकता हुई, जागृत अवस्था में तो मान सकते हैं। और जब अग्नि का अनुमान करेंगे प्रत्यक्ष में तो मान सकते हैं, परंतु धुआं देख के जब अग्नि का अनुमान करेंगे तो वहां अग्नि को वृत्ति विषय कहाँ करेंगे। इसलिए अग्नि तो केवल अपने अंतकरण में जो कल्पित अग्नि होगी तो वही होगी, तो उसमें अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य और विषय अवच्छिन्न चैतन्य का अभेद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो अंतकरण अवच्छिन्न ही चैतन्य, वहां अग्नि अवच्छिन्न चैतन्य एक ही चैतन्य है, डबल चैतन्य नहीं है। जैसे प्रबुद्धानंद के शरीर को देखने के लिए हमारी नेत्र वृत्ति जा रही है, लेकिन हम अनुमान करें कि उस कमरे में प्रबुद्धानंद बैठे हुए हैं तो वहां तो नेत्र की वृत्ति नहीं जाएगी। प्रबुद्धानंद की जो कल्पना होगी चित्त में, वो कल्पित जो प्रबुद्धानंद है उसमें तो भिन्न चैतन्य की कल्पना ही नहीं होगी। जो अंतकरणावच्छिन्न है वही प्रबुद्धानंदावच्छिन्न चैतन्य है, तो ये बात सब कल्पित पदार्थ में है। तो पृथ्वी का आदि और अंत और छोर कल्पित है, आकाश का आदि अंत छोर कल्पित है, तो ये तो अंतकरण से बाहर है ही नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष जो है वो आकाश से तेज की उत्पत्ति का, आकाश से वायु की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, और पृथ्वी के पूर्व और पश्चिम का भी प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, पृथ्वी की गोलाई का भी प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। शब्दजन्य ज्ञान ही है ना, पृथ्वी गोल गोल है, ये तो दूसरे लोगों ने नापा होगा गणित से, और नाप के जो शब्द द्वारा वो बोलते हैं, और हमारे अंतकरण में ही कल्पित पृथ्वी का आदि अंत और छोर सब होता है। तो हम पृथ्वी आकाश को जो जानते हैं वो वृत्ति प्रणाली द्वारा विषयावच्छिन्न चैतन्य से एक होने वाली प्रक्रिया नहीं है। कहाँ संपूर्ण आकाश और संपूर्ण, और कहाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे का प्रत्यक्ष है, और अंतकरण में है तो अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य से जुड़ा है ही नहीं, अंतकरण की वृत्ति से जुड़ा है ही नहीं। सब जैसे स्वप्न में पृथ्वी आकाश दिखते हैं वैसे ही
जागृत अवस्था में भी हमको वैसे ही पृथ्वी और आकाश दिखते हैं, क्योंकि पृथ्वी का आदि अंत और छोर अनुमान के द्वारा ज्ञात होता है कि संतरे की तरह गोल है कि गेंद की तरह गोल है कि थोड़ी सी लंबाई लिए हुए है। तो शब्द जन्य अपरोक्ष ही पृथ्वी का होता है, तो वो तो अंतकरण के बाहर कभी होगा ही नहीं। इसलिए स्वप्न में जैसा आकाश और जैसी धरती हमको दिखती है, वैसी ही जागृत अवस्था में भी दिखती है, उससे विलक्षण बिल्कुल नहीं है। वही अप्रत्यक्ष में ये भेद हुआ कि नेत्र द्वारा वृत्ति का विषय करना, घटादी को विषय करना मानते हैं, और हम ये जो श्रवण करते हैं या अनुमान द्वारा निश्चय करते हैं, वो तो अंतकरण से बाहर है ही नहीं है। अनुमान ज्ञान में वृत्ति विषय देश में नहीं जाती है। अच्छा, और शब्द जन्य ज्ञान में भी वृत्ति विषय देश में नहीं जाती है। शाब्दिक विषय का की कल्पना चित्त में होती है और उसी का अपरोक्ष होता है, तो काम क्रोध आदि की सीमा नहीं है, स्वप्न सुषुप्ति आदि की सीमा नहीं है। देश और काल की कल्पना विषय की उपाधि से होती है, इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, इसलिए देश कोई तत्व नहीं है, उपाधि का काल कोई तत्व नहीं है। अच्छा, देश और काल का प्रत्यक्ष कैसे होगा? तो अनादित्वेन कल्पित और अनंतत्वेन कल्पित काल का अपरोक्ष होता है अंतकरण। अनादित्वेन कल्पित और अनादित्वेन अनंतत्वेन कल्पित देश का ही अपरोक्ष होता है हृदय में। इसलिए मानसिक सत्ता के सिवाय जिनकी कोई भी व्यावहारिक सत्ता नहीं है, और शब्द जन्य ज्ञान जो है वो अन्य के संबंध में हो तब तो परोक्ष होता है। विषय की परोक्षता से ज्ञान में परोक्षता की कल्पना होती है, और स्व के विषय में हो तो कभी परोक्ष नहीं हो सकता। इंद्रिय द्वारा नहीं हो सकता, अंतकरण द्वारा नहीं हो सकता। एक क्षण के लिए अंतकरण में कल्पना होगी स्व की, और अंतकरण स्वयं बाधित हो जाएगा। व्याप्ति ग्रह के लिए पहले और अनुमान के पश्चात जो अग्नि की प्रमा होगी वो भी प्रत्यक्ष होगी। वो अनुमान तो प्रत्यक्ष से अधिक और कुछ है ही नहीं। वो अनुमान से सिद्ध जो प्रकृति है या अनुमान से सिद्ध जो ईश्वर है, वो मानसिक कल्पना के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। इसी से हमारे जो वेदांती लोग हैं वो अनुमानिक ईश्वर का खंडन करते हैं और अनुमानिक प्रकृति का भी खंडन करते हैं और अनुमानिक परमाणु का भी खंडन करते हैं। परमाणु का भी इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता अनुमानिक। इसलिए स्व सत्ता के अतिरिक्त दूसरी जो भी सत्ता होगी वो कल्पित होगी और आत्मसत्ता अकल्पित होगी, और देश काल बाधित हो जाने से परिच्छेद का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और इस सिद्धांत की दृष्टि से देह को चरित्रहीन बनाना बिल्कुल असंगत। सिद्धांत अलग चीज है, व्यवहार अलग चीज है। व्यवहार वेदांत की दृष्टि से नहीं देखा जाता। व्यवहार तो जैसी व्यावहारिक शासनानुसारी शास्त्रानुसारी जो व्यवहार है वो